बढ़ते आगे झज्जर से बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आती है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफे की बात कही, राज्यपाल महोदय मामले का संज्ञान उनको लेना चाहिए, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, अल्पमत में है, राज्यपाल को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा। तो झज्जर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब वो आंकड़ा नहीं है, अल्पमत में है, राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले को लेकर। जब आपने यहां से मुझे अवसर दिया था तो अपने गांव के लिए और झज्जर के लिए और पूरे अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए मैंने जो काम किए थे वो भी आपको याद होंगे, और मैं छोटा सा गांव में पहली बार आया था तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है, किसे छुपा नहीं।